पुढील चार दिवस राज्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस होणार आहे, तर पालघर दमणला वादळाचा फटका बसेल अशी माहिती हवामान विभागाने वर्तवली आहे। पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, हरिहरेश्वर मध्ये वादळाचा फटका बसेल। कोकणात पालघर मध्ये जोरात पाऊस राहणार आहे, तर 1, 2, 3, 4 तारखेला चांगलाच पाऊस होईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे। नेक्स्ट 24 आवर्स ये एक्सपेक्टेड साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि कल इवनिंग लेट नाइट तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एवं इसका इनिशियल मूवमेंट जैसे बताया नॉर्थवर्ड, इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड होने का संभावना है। एवं ये नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ गुजरात यानी कि रायगढ़ जिले का हरिहरेश्वर एवं दमन ये बीच में 3 तारीख इवनिंग नाइट टाइम लैंडफॉल का संभावना रहेगा। एवं इस वजह से देखा जा रहा है जो हमारे प्रदेश में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र स्पेशली इवन एरियाज ऑफ मराठवाड़ा यहाँ पे काफ़ी बारिश होगा एवं साथ में भारी से अति भारी बारिश एवं एक्सट्रीम हैवी रेन भी होने का संभावना है। एक्सट्रीम हैवी रेन मतलब मोर देन 20 सेंटीमीटर ए डे बारिश। तो अभी कोंकण में जिन सब जिलों के लिए ज़्यादा बारिश की संभावना है वो है पालघर जिला, यहाँ पे 3rd और 4th एक्सट्रीम हैवी बारिश संभावना रहेगा। ठाणे, मुंबई, रायगढ़ ये 3 जिला में भारी से अति भारी बारिश एवं कहीं कहीं जगह अति भारी बारिश ये संभावना रहेगा। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग यहाँ पे 2nd और 3rd भारी से अति भारी बारिश संभावना रहेगा। ओवरऑल कोंकण 1, 2, 3, 4 तारीख तक वाइड स्प्रेड बारिश मिलेगा एवं मोस्टली भारी से अति भारी बारिश ये 4 दिन ही मिलेगा। एवं जैसे बताया 2nd जून 3rd जून ये 2 दिन आपका अत्यंत भारी बारिश का भी संभावना रहेगा।